हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है सुबह के 8:30 बजे से, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खेत से। मैं जा रही हूँ, मैं और माँ जा रहे हैं खेत में, खेत की सफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी लग गया है। तो अब 2-4 दिन में वहाँ हल लगाएंगे, तो चलो चलते हैं खेत में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रही है मेरी मम्मी चरी, जो घास के लिए होती है। ये देखो, इधर भी लगा रखी है काफी सारी। गीला नहीं हो रखा है पर यहाँ एक गीला नहीं हो रखा है दोस्तों। इधर देखो, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और धूप भी मस्त वाली चमक रही है। और ये देखो, ये भी है यहाँ पे काफी सारी चरी बो रखी है मम्मी ने, लगा रखी है। और यहाँ पे भी लगा रही है, कुटवा भी नहीं लाई मम्मी, बड़े दरांती से कम दफले से कमाल कर रही है। इसे बोलते हैं पहाड़ी नारी। ये देखो दोस्तों, अरे जब ये बाद में बड़ी होगी ना घास के लिए, तब दिखाऊंगी मैं आपको। अभी 1, 2, 3 जगह पे लगा रखी है, लगा रखी है मैंने। वो तो लगा रखी है उधर से, और धूप देखो मस्त वाली। आलू आप बोल नहीं गया नहीं कोई ना। तो देखो दोस्तों, ये ऊपर से हमारा गांव है, और ये नीचे जो सर 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 सुनसाट हो रहा है, ये नदी का है। ये देखो, ये खड़ी का पेड़ है यहाँ पे, और साइड में भीमल का पेड़ है। ये देखो, चलो चलते हैं हम नीचे खेत में सफाई करने के लिए। ये देखो हमारे खेत में कितना ज़्यादा बसला हो रखा है। अभी तो यहाँ पानी की कोई छी नहीं है, यहाँ पानी तब आएगा जब हम पूरे खेत की बुताई कर लेंगे उस साइड। ये देखो यहाँ पे बसला। तो दोस्तों, यहाँ मेरी मम्मी दरांती पे धार लगा रही है, एक ये भी है। क्रांति की धार को तेज कर रही है, सुबड़ा लगो तंदा। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ऐसे बस लाओ रखा है पुंगड़े में, ऐसे ही सफाई करनी है। ये वाला खेत तो साफ है। ये देखो हमारे श्योरा उधर से इधर तक है, इससे ज्यादा खेत तो ऊपर की साइड है, तो हम नीचे की साइड। देखो यहाँ लोगों ने अपने बैल गाय चराने के लिए भेज रखी है। ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी ऊन पर रखी है। ये देखो, खेतों में ऐसे कबाड़ रखा है, लग तो नहीं रहा कि यहाँ धान बो रखे होंगे पिछली बार, इतने हो रखे हैं खेत। ये देखो, तो दोस्तों हमने ऊपर वाला खेत पूरा साफ कर दिया, उधर कोने से इधर तक, और ये वाला खेत भी उधर तक साफ कर लिया है। और अब ये वाला खेत बचा हुआ है, इधर तो कुछ ज़्यादा ही बसाव रखा है दोस्तों। माँ वहाँ लगी है, अब मैं भी जाती हूँ, पहले पानी प्यास लग गया तो पहले पानी की बोतल ले आती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे वाले खेत में। तो दोस्तों, माँ ने यहाँ से किनारे तक ये वाला खेत भी साफ कर दिया है, और अब ये रह गया है यहाँ। ये देखो, आप हटा रही है इसको साफ करने में। बाबा बहुत ज़्यादा वैसे ही खेत गीला हो रखा है ना पानी से, कल यहाँ पानी लगाया
ये देखो इतने बड़े बड़े आड़े कर रखे हैं यहाँ। ये थमाले से अब झाड़ी काट होगी। मैं क्या फूक क्या वाला ये था वो फूल आ रहा दो सौ रुपये वाला दो सौ रुपये वाला ये दे फूल आ रहा। हाँ तो दोस्तों यहाँ ये इस साइड के तो मैंने बहुत ज़्यादा होती है बल्ला दी फूल अड़िया। इसके लाल लाल फूल होता है वो देखो अभी दिख नहीं रहे हैं वो। और यहाँ नीचे तो अलकनंदा नदी बह रही है। चलो मैं भी चलती हूँ इस खेत में। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और हमने तीन खेत साफ कर लिए हैं। अब चौथे खेत में अब जा रहे हैं हम। फिर जो ऊपर वाला बड़ा वाला खेत मम्मी ने पानी में आधा से आधा साफ कर लिया था, थोड़ा सा ही रह गया था और वो बीठा रह गया था काटने के लिए। तो दो खेत तो हमने साफ कर लिए हैं पूरे और दो खेत और रह गए, ये ऊपर ये वाला और ये नीचे वाला। तो देखते हैं क्या क्या होता है, कितना कितना करता है ये साफ। घर जल्दी ही जाना है क्योंकि टाइम हो गया है। तो दोस्तों मेरी लकड़ी की भारी भी आ चुकी है नीचे खेत से लाई में। सांस फूल गई है चढ़ाई चढ़ के। और मम्मी अभी जा रखी है दूसरे खेत में क्योंकि वहाँ आड़ा इकट्ठा कर रखा था ना हमने कूड़ा वगैरह मम्मी ने, तो उसको पलटाने गई है क्योंकि कल बारिश आई तो वो जल नहीं पाएगा। और अभी सर नीचे वाले खेत में घास काटेगी मम्मी, उसके बाद हम चलेंगे घर।